नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। बिहार के मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का जो भी जो जमीनी हकीकत पे उतारने का मुख्य कार्य करते हैं वो मुखिया ही करते हैं, और हमारी टीम आज पटना के सबसे अंतिम छोर, पटना जिले के अंतिम छोर कुम्हरा पंचायत के ईसा नगर में पहुंची है। यहाँ के वर्तमान जो मुखिया हैं हमारे साथ बैठे हैं, आइए इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किया है और ये क्या कार्य करेंगे। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे पहले। जी, मेरा नाम है संजय महतो, हैं कुम्हरा पंचायत के वर्तमान मुखिया। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई है उसमें हर एक वार्ड में नल जल योजना, नली गली योजना, पीसीसी ढलाई कार्य हमने किया है। आपका कुछ कार्य बाकी भी रह गया है क्या इस कार्यकाल में? हाँ, कुछ बचा हुआ है जो भी चालू है। जब मैं आपके घर के नज़दीक आ रहा था तो बहुत सारे लोग, बच्चे लोग शौच किए हुए थे गली के रोड के किनारे, क्या यहाँ पे शौचालय नहीं बना है? नहीं, शौचालय तो बहुत बना है, हैं, लेकिन इसका अभी यूज ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो मुखिया होने के नाते इसका अभी कार्य तो आप ही पे है, लोगों को समझाना, नुक्कड़ नाटक के जरिए या जो भी? तो समझाते हैं, मगर जो समझने वाला है जो तो शौचालय में भी करता है, मगर यहाँ जो है देहाती इलाका रहने के बावजूद लोग इधर उधर भी चले जाते हैं। क्या हर घर में पानी पहुँची है? जी, हर घर में पानी पहुँच गई, घर में पानी पहुँच गई है। इस बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं मुखिया के चुनाव, तो क्या तैयारी है आपको? तैयारी है बिल्कुल। दर्शकों से क्या कहना चाहिए, यहाँ के लोगों से क्या कहना चाहिए कि आपको फिर से वो आखिर वोट क्यों दें? वोट जो हमने जुनून काम किया है उसके आधार पर जनता वोट देंगे। आप ही के गांव वाले के कुछ एरिया के लोगों का कहना है जो नली में जो ईंट का यूज हुआ है वो 2 नंबर का मिक्स ईंट यूज किया है आपने, क्या ये सत्य है? देखिए, पंचायत है, पंचायत में कोई अच्छा और कोई बुरा होबे करते हैं, हैं, कोई प्रतिद्वंदी है जो कितनों बढ़िया से काम करेंगे तो उसका खदाई करेगा, मगर जुनून है जो तो आप देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ संजय महतो, जो बता रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और अगर जो चुनाव आने वाले हैं उनमें लोग क्यों वोट करें। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं मनोज कुमार, पटना।